नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। देश में लोकसभा चुनाव की गतिविधियां तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव के तैयारियों के तहत क्या सत्ता पक्ष की तैयारियां हैं और क्या विपक्ष की तैयारियां हैं, इस लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे बनने जा रहे हैं, इसका विश्लेषण करने के लिए गिवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। इस परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं गिवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव। आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंश। सभा बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी भले ही कितना भी माहौल बनाने की कोशिश करें, लेकिन पिछले दो तीन नैरेटिव उनके पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या इधर परिवारवाद का मुद्दा या 370 पार का नारा हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। जहां भी उन्होंने एनडीए को मजबूत करने की कोशिश की, वहीं रायता फैल गया। और आलम यह है कि उन तमाम लोगों के सामने वो इस तरह से घुटने टेक रहे हैं जिनकी वो कभी परवाह नहीं करते थे। जब भारतीय जनता पार्टी अकेले 370 सीटें जीत रही है, तो फिर तेलुगु देशम पार्टी की क्या जरूरत है, बीजेडी की क्या जरूरत है, ओम प्रकाश राजभर की क्या जरूरत है। दरअसल हकीकत कुछ और है और इसको नरेंद्र मोदी जानते हैं, अमित शाह जानते हैं, और इसलिए हर तरफ से हर जगह जाकर के वो पेशबंदी कर रहे हैं। लेकिन उतने ही सधे अंदाज में इस समय इंडिया अलायंस की पूरी टीम, और मैं तो ये कहूंगा कि टीम की तरह पूरा इंडिया अलायंस इस समय मुस्तैदी के साथ अब दक्षिण से पहले शुरुआत की है कांग्रेस पार्टी ने। लोग बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं कि अभी केवल इतनी ही सीटें क्यों। आपने ही अपने उसमें कहा कि उत्तर भारत में अभी बहुत कुछ बाकी है। क्या ये संकेत नहीं करता है कि अभी उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में बहुत कुछ इंडिया अलायंस के साथ बहुत राजनीतिक दल आने वाले हैं। और इसीलिए मैं कई बार कह चुका हूं और अभी फिर कह रहा हूं कि मायावती के आने की संभावनाएं और ज्यादा प्रबल हो गई हैं। आज के ट्वीट से ही आप देखिए क्यों आज ही वो ट्वीट आया। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सधे हुए अंदाज में, और दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उस पूरे नैरेटिव को, जो सामाजिक न्याय की राजनीति का है, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की राजनीति का है, महंगाई का समस्या और नौजवानों की बेरोजगारी का समस्या, ये दो बड़ी समस्याएं इस समय पूरे देश में हाहाकार कर रही हैं। और इसको कांग्रेस पार्टी ने, उनके अपने थिंक टैंक ने, राहुल गांधी ने खास करके इसको बहुत बारीकी से समझा है और उठाया है, और उनके लिए योजनाएं भी प्रस्तुत की हैं। यहां सिर्फ समस्या उठाई नहीं जा रही, बल्कि क्या करेगी कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस क्या करेगी सरकार बनाने के बाद, ये तमाम चीजें भी लेकर के आ रहे हैं कि हम 30 लाख नौकरियां कैसे देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भत्ता या और जो चीजें कैसे करेंगे, किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे, उसी तरह से महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ न्याय करेंगे। ये सारी बातें जब राहुल गांधी कह रहे हैं, और दूसरी तरफ वो अंबानी और अडानी का पूरा साम्राज्य है जो मोदी जी के पीछे खड़ा हुआ है जी। और इसलिए मुझे लगता है कि 10 साल में, जो लोग कहते हैं कि 19 में भी यही था और देखिए फिर आ गए, इस देश के लोग बड़े अच्छे हैं, एक बार मौका देते हैं, दूसरी बार भी देते हैं कि हो सकता है कुछ बदलाव हो जाए। लेकिन मोदी जी ने दोनों बार निराश किया है किसानों को, मजदूरों को, मिडिल क्लास को, वो तबका जिसके घर में दो दो बच्चे बैठे हैं और नौकरियां नहीं है, वो तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास पेंशन नहीं है। तो ये जो फेल्योर है 10 साल का, वो फेल्योर अब बिल्कुल सामने आ गया है। और इसलिए मुझे लगता है कि अब जनता की तरफ से वो आह्वान हो रहा है जिस पर राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया अलायंस को जनता का पुश मिल रहा है और यही चीज इंडिया अलायंस को मजबूत बना रही है और मोदी और शाह के नीचे से जमीन भी खींच रही है। जी बिल्कुल, इंडिया निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो 14 और 19 का इलेक्शन रहा, उसका थोड़ा सा प्रभाव अभी भी उस मानस पर दिखाई पड़ता है। जबकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, और यूपी में तो डबल इंजन की एंटी इनकम्बेंसी है, जातिगत समीकरण अगर आप देखें तो उसमें 21.5% दलित है, 20% के करीब अल्पसंख्यक मतदाता है, और इसके अलावा पिछड़ा और अति पिछड़ा। और ये वो जमीन है जहां पे कांशीराम ने एक लंबा आंदोलन किया,
बीएसपी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का अवसर मिला, उस जमीन पर जो परिस्थितियां हैं आज की तारीख में, बीजेपी तभी सफल हो सकी जब उसने इन तमाम जातियों को आउटरीच किया था। दलितों में उसने एक सेंधमारी की थी, एंटी नॉन जाटो दलित जातियों को वो लेकर के आए थे, उसी तरह से पिछड़ा और अति पिछड़ा के बीच उन्होंने विभाजन किया था, और इधर पिछड़ा में भी नॉन यादव को उन्होंने अपने साथ जोड़ा था। इधर परिस्थितियां बहुत अलग है। केशव प्रसाद मौर्य के जरिए मौर्य बोर्ड पर सेंधमारी की गई, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को लोग कहते हैं कि वो स्थूल मंत्री हैं, उनकी क्या हैसियत है वो हम सब जानते हैं। पिछड़ों को पिछड़ों की तरह से ट्रीट करना, ये पूरे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की फितरत में शामिल है, वो उत्तर प्रदेश में भी दिखती है। ये वो प्रदेश है जहां पर सामाजिक चेतना अन्य राज्यों की अपेक्षा, माने उत्तर भारत की मैं बात कर रहा हूं, दक्षिण में तो तमिलनाडु अपनी जगह है ही, उत्तर भारत में सामाजिक चेतना और जो सत्ता की चेतना है ये दोनों ही बेहद प्रबल रही है। तो ऐसे में जब इंडिया अलायंस बन रहा है, सपा और कांग्रेस के आने के बाद, मैं देख रहा हूं कि जो अभी सीटें दी हैं कांग्रेस पार्टी ने और सपा ने, खासकर के सपा ने, उसमें से 2 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां पे बीजेपी चुनाव हारते हुए दिख रही है अभी से, और मुझे लगता है कि अन्य सीटों का जो ऐलान होगा उसमें भी ये परिस्थितियां निर्मित होते हुए देखेंगे, जैसे पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये दो ऐसे भूभाग हैं जहां पे यादव, मुस्लिम और दलित, अगर इसमें बीएसपी आती है तो 40 सीटें लेना, प्राप्त करना बीजेपी के लिए बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगा। अभी स्थिति यह है कि वो 50 और अब कह सकते हैं कि 2 दर्जन सीटें तो सपा और कांग्रेस के पास अभी से दिख रही हैं, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अभी यहां कोई उस तरह की सभा नहीं हुई है, राहुल जी जरूर निकले हैं, तो इसका असर भी होगा आने वाले दौर में। और बीजेपी का कोई भी नैरेटिव टिकाऊ नहीं है, राम मंदिर का इतना बड़ा मुद्दा वो भी फ्लॉप शो में तब्दील हो गया, तो बीजेपी के पास ले देकर के है क्या कि आप केवल जातियों का समीकरण संतुलन बनाए। इसीलिए वो संजय निषाद को अपने साथ रखे हुए हैं और प्रकाश राजभर को उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन आप जो अपर ओबीसी है, इसमें कुर्मी है, कुशवाहा है, या आपका यादव है, ये जो जाट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो नाराज है किसान आंदोलन की वजह से या महिला पहलवानों का जो उत्पीड़न हुआ उसकी वजह से, तो ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत कमजोर विकेट पर दिखा रहे। हाँ, ये जरूर है कि प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग हो सकता है, और भी जो दो तमाम तरह के प्रपंच होते हैं, वोट के बदले नोट का जो खेल चलता है, मध्य प्रदेश में भी जो चला, जिसकी संभावनाएं यहां पे भी हैं, और कई बार नोट पकड़े भी जाते हैं, तो ये भी खेल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी यहां 60 और 70 सीटें जीतने जा रही है। बीजेपी की अपनी मुश्किलें हैं, वो इस बात को समझते हैं। मुझे लगता है कि बीएसपी अगर आती है तो बीजेपी यहां 40 के नीचे सिमटेगी, और अगर बीएसपी नहीं भी आती है, जो मोमेंटम इस समय बना है दलित पीएम का, खड़गे जी अगर मायावती नहीं आती है तो ऑब्वियस है कि खड़गे जी को विपक्ष आगे करेगा, तो इस मोमेंटम का फायदा खड़गे जी के जरिए कांग्रेस पार्टी उठाएगी, और वो भी मुझे लगता है कि कई मोर्चे पर इंडिया अलायंस के लिए फायदेमंद साबित हो। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें।